नमस्कार दोस्तों, सन 2022 इस वर्ष में आपको कोई न कोई बिजनेस जरूर स्थापित कर लेना चाहिए। देखिए, नौकरी नौकरी होती है, बिजनेस बिजनेस होता है। नौकरी से आप पेट पाल सकते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं, मगर परिवार की बहुत से सपनों को, बहुत से कामों को आप नौकरी के द्वारा पूरा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसका एक कारण है कि नौकरी के अंदर आपको एक लिमिट में पैसा मिलता है, मगर व्यापार की अपार संभावनाएं हैं। व्यापार में व्यापार बहुत कुछ बना सकता है आपको, मगर ध्यान ये रखना है कि नौकरी में आपको कोई घाटा होने की उम्मीद नहीं है, मगर बिजनेस एक ऐसा फंडा है जिसमें आपको घाटा भी हो सकता है। इसलिए घाटे से बचने के लिए आपको पहले से कुछ जानकारियां कर लेनी चाहिए। यदि आप अच्छा बिजनेस करना चाहते हैं, सन 2022 के लिए कोई बिजनेस की तलाश कर रहे हैं, तो आइए मैं आपको तीन बिजनेस बताता हूं, जो तीन बिजनेस आने वाले भविष्य में बहुत ही शानदार चलने वाले हैं। इन बिजनेस को कभी बंद होने की कोई गुंजाइश नहीं है और पीढ़ी दर पीढ़ी ये बिजनेस चलने की संभावना रखते हैं। ये बिजनेस गांव से शुरू कर सकते हैं आप, ये बिजनेस शहर से शुरू कर सकते हैं, ये बिजनेस आप छोटी उम्र के हैं यानी 21 से 25 साल के हैं तो कर सकते हैं, और ये बिजनेस आप 60 से 65 साल के हैं तो भी कर सकते हैं। इन बिजनेसेस को करने के लिए आपको बहुत बड़ी दुकान की आवश्यकता नहीं है, मेन मार्केट में कोई दुकान लेने की जरूरत नहीं है। ये बिजनेस आप अपने घर से शुरू कर सकते हैं, घर के पास गली में के नुक्कड़ पर कोई दुकान हो तो वहां शुरू कर सकते हैं, और घर बैठे बैठे भी ये बिजनेस किए जा सकते हैं। इन बिजनेसेस में मैं पहला नाम लेता हूं, वो है FMCG, यानी जो घरेलू चीजें हैं वो चीजें आप अपने घर में, दुकान में, एक कमरे में कहीं भी सजा लीजिए मार्केट से ला करके और बेचना शुरू कर दीजिए, जिसको आप किराना स्टोर बोल सकते हैं, जिसको आप स्टोर बोल सकते हैं, जिसको आप जनरल स्टोर बोल सकते हैं। ऐसी चीजें जो डेली प्रतिदिन लोगों के काम में आती हैं, सुबह उठने के बाद मंजन करने से रात को सोते समय दूध के गिलास में शक्कर डालने तक की चीजें आप रखेंगे तो आप बहुत अच्छा पैसा कमा लेंगे और धीरे धीरे ये बिजनेस चल जाता है। देखिए, कोई भी बिजनेस करेंगे उसमें 3 साल तो आपको स्ट्रगल करना ही होता है। नियम है ये कि 3 साल तक आपको उस बिजनेस को पूरी तरह से समझना होता है, कस्टमर्स को समझना होता है, कैसे कस्टमर्स लाए जाते हैं, कैसे कस्टमर्स को ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट किया जाता है और कैसे कस्टमर से ज्यादा फायदा उठाया जा सकता है, ये सब आपको सीखना पड़ता है। मटेरियल कहाँ से आपको सस्ता मिलेगा ये भी सीखना होता है। मटेरियल बेचने के लिए भी आपको एक कला की आवश्यकता होती है, वो कला भी आपको धीरे धीरे सीखनी पड़ेगी और ऐसे करके आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसी के साथ ये बिजनेस जो मैंने बताया है, आपने यदि एक बार सीख लिया तो पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी पीढ़ियां इस बिजनेस से कमा के खा लेंगी। जिस दिन आपके पास अच्छा पैसा हो जाए, आप घर की दुकान चलती रहे, उसके साथ साथ अपने मार्केट में भी एक दुकान कर लेवे और ये बिजनेस आपका लॉन्ग टर्म यानी लंबे समय तक चलता रहेगा। इसके साथ साथ मैं कहूँगा, यदि आप रेडीमेड का व्यवसाय करते हैं, रेडीमेड कपड़ों का आजकल बहुत प्रचलन है, कुर्ते पायजामे जैसे सिले सिलाए ही आने लग गए, आजकल सारे गारमेंट्स हैं वो सिले सिलाए आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप रेडीमेड की दुकानें, जो रेडीमेड कपड़े की दुकान कर लेते हैं तो 3 महीने के बच्चे से लेकर 100 साल तक के लोगों के आजकल सिले सिलाए कपड़े आते हैं। यदि आप ये बिजनेस कर लेते हैं तो ये बिजनेस भी बहुत चलने की संभावना है और इस बिजनेस में अच्छा पैसा है। बस शर्त एक ही है कि आपको परचेजिंग करना आना चाहिए, सेल करना आना चाहिए, ग्राहक के साथ में कैसे बात करनी होती है, ग्राहक को कैसे आकर्षित किया जाता है। यदि आप ये भी नहीं जानते हैं तो मैंने इसी चैनल पे वीडियो डाल रखे हैं कि ग्राहक के साथ कैसे बात करें, ग्राहक को कैसे आकर्षित करें, चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। तीसरा बिजनेस, जब तक जीवन रहेगा जीवन रक्षक दवाइयां इस संसार में चलती रहेंगी, और यदि आप इनका अनुभव रखते हैं, आपके पास इसका सर्टिफिकेट हो तो आप ये दुकान खोल सकते हैं, मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, एजेंसी ले सकते हैं, या मेडिकल स्टोर की में जो दवाएं बिकती हैं
उनके लिए आप रिप्रेजेंटेटिव का काम कर सकते हैं। यदि आपको अनुभव है तो ये बिजनेस भी वर्षों नहीं काफी वर्षों तक चलने वाला है, कहीं कोई रुकने का नाम ही नहीं लेगा। यदि आप ये बिजनेस करते हैं तो 2022 के लिए ये सारे बिजनेस जो मैंने तीन बिजनेस बताए हैं, ये बिजनेस बहुत अच्छा पैसा कमा करके दे सकते हैं आपको, और आने वाली पीढ़ियों तक को आपको एक नई लाइन और नई दिशा और दशा तय हो जाएगी। नमस्कार।